नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज आप लोगों से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है पीसीओएस। मेरे पास आए दिन लड़कियां आती हैं, लेडीज आती हैं, ये कहती हुई कि मैडम हमें पीसीओएस है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को पीसीओएस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली मतलब मैनी, सिस्टिक यानी सिस्ट, ओवेरियन यानी ओवरी में, सिंड्रोम सिंड्रोम इज समथिंग कि जो बचपन से होता है आपको, यानी कि जिन लेडीज की ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट होती हैं उन लेडीज को हम बोलते हैं कि इनको पीसीओएस है। ऐसे तो सिस्ट बहुत तरह की हो सकती हैं, उस डिटेल में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन पीसीओएस में जो सिस्ट होती हैं वो जनरली छोटी 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 सिस्ट होती हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और वो हर ओवरीज में 8 से 10, इससे ज्यादा होती हैं। ओवरीज के साइड साइड में छोटे छोटे मोतियों के जैसे इकट्ठे हो जाती हैं, जो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें एक नेकलेस के जैसे दिखाई देती हैं। तो पीसीओएस क्या होता है, क्यों होता है, किसमें होता है? देखिए, पीसीओएस जो होता है ये मोस्टली एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि ये फैमिलीज में रन करती है। जिसके घर में पीसीओएस है उसकी माँ को है, उसकी बेटियों को है, उसके आने वाले उसकी बेटियों में भी ये होगा, इसके हाई चांसेस होते हैं। ऑल्दो कुछ कुछ केसेस में पीसीओएस जेनेटिक नहीं होने पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कुछ टाइम पीरियड के लिए एक लड़की पीसीओएस से ग्रस्त हो सकती है, बट ज्यादा करके केसेस में पीसीओएस जेनेटिक होता है। पीसीओएस आज के डेट में बहुत ही कॉमन है। लगभग 8 से लेकर 13% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम बोलते हैं जब एक लेडी के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 10-11 साल से ऊपर और 50 साल से पहले, जब तक कि उसका पीरियड बंद होता है, ये उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहलाता है। तो इस एज ग्रुप में मोटा मोटी 8 से 13% लेडीज में देखा गया है पीसीओएस देखा जाता है। पीसीओएस क्यों होता है? पीसीओएस एक हॉर्मोनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर उस लेडी में महीना महीना जो एक नॉर्मल हर फीमेल में अंडा बनता है वो उसमें नहीं बनता। हर फीमेल में या ज्यादा करके फीमेल्स में जैसे पीरियड स्टार्ट होता है वहां से एक अंडा बढ़ना चालू हो जाता है, एक फॉलिकल हम उसको बोलते हैं, वो बढ़ता है, उसके अंदर एक अंडा होता है जो पीरियड के 14वें दिन तक आते आते वो फॉलिकल रप्चर करता है और एग रिलीज होता है, और उसके 14 दिन बाद उसका नेक्स्ट पीरियड आता है, यानी कि टोटल 28 डेज का लगभग एक नॉर्मल साइकिल होता है। लेकिन जिन लेडीज में पीसीओएस होता है उनमें फॉलिकल ग्रो तो करना शुरू करता है लेकिन वो उस साइज तक नहीं पहुंचता जहां तक कि उसमें से एक एग रिलीज हो जाए और वो बीच में ही रुक जाता है। वो फॉलिकल जो रप्चर नहीं करता, जिसमें से एग रिलीज नहीं करता, वही एक छोटी सी सिस्ट बन जाती है, यानी कि इस तरह की सिस्ट हर महीने बनती रहती हैं। क्योंकि एग नहीं निकलता इसलिए जो हार्मोन का अप डाउन लेवल होना चाहिए जिसकी वजह से अगले 14 दिन बाद पीरियड आता है, ये भी उन लेडीज में नहीं होता। तो यहां तो हमने जाना कि पीसीओएस बेसिकली होता क्या है, अभी इसके सिम्टम्स क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम जो एक पीसीओएस का होता है इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स में क्या होता है, कोई लेडी आपके सामने या कोई लड़की कंप्लेन करती है दो दो तीन तीन चार चार छह छह महीने तक उसके पीरियड्स नहीं आते, या पीरियड्स आते हैं तो बहुत कम ब्लीडिंग होती है, या बहुत कम ब्लीडिंग होती है या बहुत दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है। पहले 3 महीने तक पीरियड नहीं आता, उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पीरियड होते रहता है। किसी लेडी को दवाई खाए बिना पीरियड कभी नहीं आता, दवाई खाएगी कभी पीरियड आएगा। किसी के चेहरे पर हेयर ग्रोथ हो जाती है, हेयर ग्रोथ एट एबनॉर्मल प्लेसेस, यानी कि एक लड़की के चेहरे पर तो हेयर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उसके हेयर फेस पर, चेस्ट पर, बैक पर, यानी कि मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ आ जाता है। और क्राउन हेयर जो सिर के बाल होते हैं, जो कि एक लड़की की ब्यूटी होती है, क्राउनिंग ग्लोरी हम जिसको बोलते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, तो बॉल्ड पैटर्न आने लगता है हेयर में, सिर पर बॉल्ड पैचेस आ जाते हैं, यानी कि टोटल मेल पैटर्न आने लगता है। पीसीओएस में मेल हॉर्मोन्स हाई होने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है, एक्ने होने लगते हैं, कोर्स हेयर ग्रोथ होने लगती है, वॉइस कभी कभी हैवी होने लगती है। पीसीओएस सबसे कॉमन कॉज है एक मैरिड लेडी में इनफर्टिलिटी का, जो कंसीव नहीं कर पाती हैं। पीसीओएस अगर बहुत लंबे समय तक रहे तो
लेडी में डायबिटीज के, हाइपर कोलेस्ट्रॉल होने के, लेटर ऑन हार्ट डिजीज होने के, इन सब के भी बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल पीसीओएस को अगर समय पर कंट्रोल किया जाए तो पीसीओएस एक छोटी समस्या है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो अपने साथ सब चीजों को लपेटे में ले लेता है। अब हम आज के वीडियो में इसकी यंग लड़कियों में बात करेंगे जिनका अभी पीरियड स्टार्ट होना शुरू हुआ है, यानी कि 10, 11, 12 साल की लड़कियां जिनको अभी मेनार्की जिनकी हुई है, यानी कि पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उस एज में पीसीओएस बहुत कॉमन होता है। और खास करके जिन फैमिलीज में जिनकी मदर्स को हुआ या जिन बच्चियों की बड़ी बहनों को हुआ, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा इरेगुलर पीरियड है तो मेरी मेरी बच्ची को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर बच्ची में पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या एक एक महीने उसके पीरियड्स लगातार ब्लीडिंग चल रही है, या तीन तीन छह छह महीने उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए, और आपको भी अगर ये प्रॉब्लम रही है तो बच्ची में भी पीसीओएस आने के चांसेस हैं। एक्नी हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वॉइस हैवी हो रहा है, जो भी सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए, ये सारे सिम्टम्स एक अनमेरिड लड़की में आपको मेनली देखने के लिए मिलते हैं। वही लड़की अगर मैरिड हो जाती है तो सबसे कॉमन पीसीओएस का सिम्टम होता है इनफर्टिलिटी, वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ये इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भी है। और लेटर एज ग्रुप में जैसे मैंने बताया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हार्ट अटैक, डायबिटीज, इन सबका रिस्क बहुत हाई हो जाता है। अब पीसीओएस से कंट्रोल करने का हमारे पास क्या उपाय है? देखिए, बचने का तो उपाय आपके पास नहीं है। अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में पीसीओएस है, तो आप में होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। आप उसको कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? तो पीसीओएस का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। व्हाट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। व्हाट इज हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट का मतलब होता है जिस डाइट में आपका हाई प्रोटीन हो, हाई फाइबर हो, लो कार्ब्स हो एंड लो फैट्स हो, यानी कि आपका वेट गेन ना हो, आपके बॉडी का फैट कंटेंट कम रहे, आपके बॉडी का मसल मास ज्यादा रहे। बॉडी का मसल मास हाई होने से ही हमारी बीएमआई हाई होती है। हमको अपनी बीएमआर हाई रखनी है, मसल मसल बनाने के लिए हमको हाई प्रोटीन खाने की जरूरत होती है। इसलिए जो भी लेडीज पीसीओएस से ग्रस्त हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी डाइट, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, डाइट का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा, यानी कि ये आपके लाइफस्टाइल में आ जाना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो जाना चाहिए। ये ही डाइट आपको पसंद होनी चाहिए, जिसमें नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए जो प्रोटीन रिच डाइट्स होती हैं, जैसे कि लीन मीट, एग्स, वो बोलें, और वेजिटेरियन लोगों के लिए दालें, पनीर, सोयाबीन, मटर, ये सब चीजें, वो टोफू वगैरह ले सकते हैं। और साथ में हाई फाइबर, कार्ब्स और फैट्स जरूरी हैं लेकिन बहुत ही मॉडरेशन में, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। एंड सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज फॉर मिनिमम 45 मिनट्स अ डे फॉर मिनिमम 6 डेज अ वीक। ये चीज सेकेंड पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी है, जो आपको खुद से करनी है बिना डॉक्टर के सलाह के। एक्सरसाइज ऐसी जिसमें आपको पसीना आना चाहिए, यानी कि आपकी हार्ट रेट 120 से अप जानी चाहिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो सभी लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी है, जिस समय उनका पीरियड स्टार्ट हो, अगर उनको इरेगुलर पीरियड होने स्टार्ट हो जाए, तो वो सबसे पहले इन दो चीजों पर ध्यान दें, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। इसके बाद भी अगर आपके पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे हैं तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपकी एक्ने हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जाएं, और साथ में लेकिन इस चीज को आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। इससे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू पीसीओडी की बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम उन सभी क्वेश्चंस की जानकारी या उत्तर आपको देंगे।